पीएम नरेंद्र मोदी ने किया जनता को दंडवत प्रणाम। मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूँ। पीएम का ये अंदाज एक बार फिर जनता के दिलों को भाया। स्वागत है भाई, स्वागत है। पीएम ने ध्वनि प्रदूषण नियम का नहीं किया उल्लंघन। मैं दोबारा यहाँ फिर से आऊंगा। बिना माइक के 10 बजे के बाद जनता को किया संबोधन। आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। वाह पीएम मोदी जी वाह, क्या काम कर दिया आपने। नियम कायदों के एकदम पक्के हैं आप। आपने जो मिसाल पेश की है वो देश के लिए नजीर है। जानते हैं क्यों? ये बात देश कह रहा है। पहले इन तस्वीरों पर गौर फरमाएं। हमारे देश में ऐसे राजनेता बहुत ज्यादा हैं जो जनता के लिए दूसरे नियम बनाएं और खुद के लिए नियमों की अनदेखी करें, मगर पीएम मोदी के लिए नियम तो नियम है और यही बात पीएम मोदी के व्यक्तित्व को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। अब देखिए ना, पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर थे। चुनाव से पहले 29 और 30 सितंबर को उन्होंने अपने गृह क्षेत्र के लिए समय निकाला था। इस बीच उन्हें शुक्रवार को गुजरात से राजस्थान के आबो रोड पहुंचना था और कार्यक्रम को भी संबोधित करना था, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब घड़ी की सुई बजा रही थी 10:20 और इसका मतलब साफ था कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। रात 10:20 हो रहे थे। अब आइए जान लेते हैं रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण नियम कहता क्या है। अब वो भी देखिए, ध्वनि प्रदूषण कानून 2000 के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ विशेष परिस्थितियों में रात 12 बजे तक की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन रात 12 बजे के बाद किसी को भी लाउड स्पीकर या ध्वनि प्रदूषण यंत्र बजाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में पीएम मोदी चाहते तो अपने लिए 12 बजे तक का समय करवा सकते थे। देश के प्रधान सेवक हैं, हर कोई उन्हें सुनना चाहता है, लेकिन नियमों को मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा हरगिज नहीं किया। पीएम मोदी ठहरे नियम कायदे कानून के पक्के। कैसे इस कानून का वो उल्लंघन कर सकते थे? पीएम मोदी ने बिना माइक के जनता को संबोधित किया। सिर्फ 1 ही पीएम मोदी बोले और ऐसा बोले कि पीएम मोदी का ये अंदाज सबके दिलों को भा गया। आप सुन लीजिए पीएम मोदी ने तब क्या कहा जब माइक नहीं था हाथ में। अब 10 बज गए हैं तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। तो सुना आपने किस तरह से देरी होने के बावजूद देश के प्रधान सेवक जनता से माफी मांग रहे थे। पीएम मोदी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा कहती है कि कानून नियम का पालन करना चाहिए, आप सबसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं यहां फिर आऊंगा और आपका जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकाऊंगा। बस यही वो खासियत है पीएम मोदी की जनता का, उनमें और उनका जनता में कुछ ऐसा विश्वास है जो उन्हें जनता के साथ बांध लेता है। तमाम विरोधी ताकतों का सामना करते हुए पीएम मोदी टूटते क्यों नहीं, ये सवाल आप सभी के मन में चलता होगा, तो वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये जो जनता है ना, ये इन्हें अपना सर्वे सर्वा मान चुकी है। तभी तो जनता रात के समय भी पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार करती है।
उनकी बातों को सुनना चाहती है, लेकिन जब किसी कारण से पीएम मोदी को देरी हो जाए और संबोधन ना हो पाए तो पीएम भी माफी मांगने से गुरेज नहीं करते। खैर, पीएम मोदी ने जो नजीर पेश की है उससे देश के नेताओं को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। प्रधान सेवक होते हुए वो जनता के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे। जनता को पीएम मोदी का दंडवत प्रणाम यकीनन दिल को भा गया, क्योंकि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जनता के सामने प्रणाम करते हुए दिखाई दिए। जनता नारे लगा रही थी, स्वागत कर रही थी, और मोदी जनता के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे। ये अद्भुत नजारा था, मन को मोह लिया, ये नजारा दिल में उतर आया। 1 मिनट 21 सेकंड का ये वीडियो देश ही नहीं दुनिया में वायरल हो रहा है। एक बार फिर से मोदी ने ये साबित कर दिया कि वो मोदी यूं ही नहीं बने। इस उम्र में भी वो 3 बार झुककर जनता को नमन कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। ये है पीएम मोदी का व्यक्तित्व जिस पर जनता को भी गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।